देखिए आपको पता है तीन राज्यों के जो नॉर्थ ईस्ट के जो तीन राज्य हैं उनके चुनाव हुए थे और नागालैंड के लोगों के लिए तो खुशी की बात है ही है। मैं कहूंगा कि हर राष्ट्रवादी आदमी के लिए एक खुशी का बात है। एक ऐसा क्षेत्र, कभी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, कभी कहते हैं कि एक विशेष वर्ग की पार्टी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रिपुरा में और मेघालय में और नागालैंड में लगभग 80% जो है वो ईसाई बहुल क्षेत्र है। वो अगर मैं ये मैं क्यों इसी ऐसी बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक विशेष की पार्टी है। आज हर आदमी मोदी जी जो काम अच्छे कर रहे हैं, जितना विश्व में उनका डंका जो बज रहा है अच्छे कामों का, उसको उन लोगों ने भी महसूस किया। और मैं धन्यवाद हूँ केंद्र सरकार का और विशेष केंद्र जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कि उन्होंने एक ऐसी नीतियां बनाई। उन्होंने कहा लुक टूवर्ड ईस्ट, उनकी एक नीति थी। और उनके साथ साथ जो देश, चाहे म्यांमार हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे वो हमारा वियतनाम हो, ऐसे देश उनको पहली बार मान सम्मान की इस बार 26 जनवरी में वो सारे के सारे देश जो थे वो हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस में आए थे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम रिजल्ट तो देख रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया है इस राष्ट्रवादी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनको भी एक बधाई है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी हैं और जब से वो, क्योंकि वो एक भाग्यशाली और मैं कहूंगा एक इंटेलिजेंट आदमी है, हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ऐसी जगह पीएमओ में बैठे हुए हैं जहाँ उन्होंने बहुत कुछ हमारे लोगों को भी दिया है। और नॉर्थ ईस्ट के लोग आज उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी नीति बनाई कि नॉर्थ ईस्ट के लोग कभी वो हिंदुस्तान से अपने को अलग समझते थे, आज वो भारत का अभिन्न अंग समझते हैं। हमारी जीत जो है यही प्रचायक है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये हमारा जो हमारा रथ है ये धीरे धीरे कांग्रेस के सफाई की ओर बढ़ रहा है। और कांग्रेस जो उसने एंटी नेशनल नीतियां पकड़ी हुई हैं, कभी भी इस देश की हित की बात नहीं करनी, हमेशा देश को तोड़ने की जातियों पातियों में और क्षेत्र में तोड़ने की बात करती है, उसके मुंह पर एक करारा तमाचा है कि अगर अब भी नहीं सुधरोगे तो ये 2-4% तुम बचे हो उससे भी चले जाओगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ईवीएम की जीत है। देखिए पहली बात तो ये कहूंगा कि जब कांग्रेस जीती है तो वो ईवीएम का महान तब नहीं कहती, तब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। और जब कांग्रेस हारती है तो वहां ईवीएम का भी कुछ पहले दिन पहले आपको पता 3-4 और लोकसभा के उपचुनाव हुए थे तो वहां वो जीत के ढोल बजा रहे थे। तो हमने नहीं कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी है। और 2014 में हमारी सरकार आई तो मेरा कहने का तात्पर्य कि वो उस समय पावर में थे,
तो हम क्या ईवीएम उस समय गड़बड़ी की थी क्या? सिर्फ कहने का तात्पर्य यह हुआ खसियानी बिल्ली खंबा नोचे उनके ये, लेकिन ऐसी हम चाहते हैं कि ऐसी सोच वो रखें ताकि उनका निस्ता नाबूद जो उनका बिल्कुल जड़ मूल से वो खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी इस देश का विकास नहीं हो सकता।